शासकीय कार्यालयों में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है और शासन को हर अधिकारी अपनी क्षमता अनुसार चूना लगाने में व्यस्त है, यह तो आप आए दिन देखते और सुनते ही हैं। ताजा मामला रीवा के नेहरूनगर विद्युत मंडल कार्यालय ग्रामीण शाखा का है, जहां उपभोक्ता अभिलाष शुक्ला द्वारा अपने मसाला उद्योग में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 2,30,000 एवं 80,000 रुपए विद्युत कनेक्शन के लिए जमा किए थे, लेकिन आज तक ना तो परमानेंट विद्युत कनेक्शन हुआ और ना ही एस्टिमेट अनुसार ट्रांसफार्मर का काम हुआ, जिसका खुलासा स्वयं विद्युत विभाग के जेई द्वारा संयुक्त निरीक्षण दौरान किया गया, जिसके बाद उपभोक्ता ने संबंधित अधिकारी कर्मचारी सहित ठेकेदार से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता ने न्याय की गुहार लगाई है। मीडिया ने खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया और उपभोक्ता ने सीएम हेल्पलाइन सहित ऊर्जा मंत्री से लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों से, जिसके बाद ठेकेदार अविनाश शुक्ला ने अपना आपा खो दिया और बौखलाया हुआ उपभोक्ता के पास पहुंचा और सारे विभागीय राज की पोल खोल दी, जिसे मीडिया कर्मी ने अपने खुफिया कैमरे में कैद कर लिया है। ठेकेदार ने राज खोलते हुए बताया कि तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर शैलेंद्र द्विवेदी द्वारा आपसे 2,30,000 रुपए हमारे खाते में डलवाए जरूर गए थे, परंतु तत्कालीन जेई कुमार प्रताप सिंह द्वारा मुझे बुलाया गया और बोला गया कि 1,00,000 में यह काम कर दो, मैंने कर दिया और बाकी की रकम 1,30,000 शैलेंद्र द्विवेदी को लौटा दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने मिलकर राशि को बांटा है। यह भी बताया कि जो ट्रांसफार्मर आपके यहाँ लगा हुआ है, जिसमें जिला सतना का टैग लगा हुआ, भी विभाग ने ही उपलब्ध करवाया है। ठेकेदार ने यह भी खुलासा करते हुए बताया कि आपको तो 50,000 या 1,00,000 का नुकसान हुआ है, यहाँ तो करोड़ों रुपए का खेल होता है। ठेकेदार ने यह भी बताया कि जो एस्टीमेट बनता है उसमें बहुत सारे फालतू के आइटम रहते हैं, जो कोई भी ठेकेदार नहीं लगाता, इसके साथ साथ जो टैक्स नहीं लगता वह भी जोड़ा जाता है। यह भी बताया कि एमपीईबी की अधिकारी कर्मचारी उपभोक्ता को प्राइवेट ठेकेदार से काम करने की सलाह एवं चोर आजमाइश करते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनको मोटी रकम प्राप्त होती है। यदि सरकारी ठेकेदार को काम दिया जाएगा तो सारा पैसा शासन को चला जाएगा और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। यही कारनामा पीड़ित उपभोक्ता अभिलाष शुक्ला के साथ भी हुआ। तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहा कि विभाग से काम करवाएंगे समय लगेगा, प्राइवेट काम करवाएंगे तो जल्दी हो और ठेकेदार हम खुद उपलब्ध करवाएंगे। ठेकेदार की बातों से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी खाते तो शासन बजाते प्राइवेट ठेकेदार की हैं, जिसमें विभाग को करोड़ों रुपए की क्षति होती है। आप खुद देखिए और सुनिए, विधुर मंडल के प्राइवेट ठेकेदार अविनाश शुक्ला को, जिन्होंने विभाग की पूरी कलाई खोल कर रख दी है। आज की डेट में कंपलसरी है, आदमी का आधा काम चलता है फोन से, कामो चला के बहुत काम फालतू हो जाते, परेशान कर देते लोगों को। कहा है भैया के का पैसा अर्जा दिए ना, कहा है भैया? अरे भैया काम नहीं अर्जान, भैया अपने आप अर्ज दे रहे। कैसे क्या हुआ था? क्या होता है, एक एमपीईबी में एस्टिमेट बनता है, एस्टिमेट के हिसाब से भैया ने सही पैसा दिया है, पर अगर यही काम दूसरे प्राइवेट से करवाते या किसी भी आदमी से संस्था से करवाते तो एग्जैक्ट उतना ही रुपए लगता है, बिल्कुल फिक्स रुपए, उसमें एक रुपए कम नहीं होता। अगर एमपीईबी से करवाते, उन्होंने अब ये गए, उनको नॉलेज ही नहीं था इनकी गलती नहीं, जहाँ बिना गलती के जब आदमी पहुँच जाता है तो अधिकारी फिर दबा देते इनसे, सैलेन कोई है कंप्यूटर ऑपरेटर, उनसे उनकी मुलाकात हुई होगी, बातचीत हुई होगी, उन्होंने पैसा, अब वो तो अपने खाते पैसे डलवा नहीं सकते सरकारी लोग, उन्होंने हमारा, हम किसी डेली के कॉन्ट्रेक्टर है, वहाँ हमारा जीवन यापन होता है, वहाँ से रोजी रोटी चलती है, तो उन्होंने हमारा नाम ले लिया होगा कि अविनाश के अकाउंट में डलवा लेना और फिर मैनेज हो जाएगा। अधिकारी जब कोई कट जाता है तो आपस में लेनदेन चलता रहता है, तो हमको बुलाए फोन करके, बोले एक ट्रांसफार्मर लगाना ऑनलाइन कितना लोगे, तो हमने अपना रेट बताया, हमने बोला 1,50,000 रुपये, अब सोचिए मैंने उनको 1,50,000 ही बताया, मैं जानता नहीं था आपके बारे में, नहीं कहा, मैंने कहा 1,50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफार ना, क्योंकि बताई गई कि लाइन इतनी है, इतने खंबा लगेगा, इतना चल रहा, मैंने कहा 1,50,000 रुपये में हो जाए। हेलो, अब वो अधिकारी है तो उन्होंने कहा बहुत सही है, इतना नहीं देना है, 90,000 रुपये ले लो 1,00,000 रुपये, पहले बोले 90,
हमने कहा कि हम अधिकारी है, ठीक नहीं है, इससे वोट हमारा काम नहीं कर देंगे सर एक काम। हमने कहा दस और बढ़ाने पैसे डलवा लिए, बोले एक लाख रुपये रख लो बाकी पैसा निकाल के दे दो, हम एक लाख रुपया निकाल। कौन आया है यहाँ अधिकारी? कौन है अधिकारी? शैलेंद्र द्विवेदी से आप मिले थे? वो शैलेंद्र द्विवेदी कंप्यूटर ऑपरेटर है, बाकी अधिकारी एक कुमार जी थे, वो ट्रांसफर हो गए शहर में चले गए, बाकी डी साहब हमसे वो खिलाया होगा, अधिकारियों को भी दिया होगा, उसमें सबकी मिली नगर फैक्ट्री में। तो हालांकि आप इस्टीमेट के हिसाब से सही पैसा दिए, कोई गलत पैसा, लेकिन आपका काम सस्ते में सस्ते में हो जाता अगर आप किसी और से मिले हो। कितने में हो जाता? समथिंग डेढ़ लाख, इससे ज़्यादा सस्ता। आपने कितना दिया? V2 घूम लो थोड़ा सा, थोड़ा V2 घूम लो। इन्होंने जो है तो 231 दिया है और 81 दिया। वो तो रसीद है, वो तो जमा ही होता, चाहे किसी को भी दे, वो तो जमा होता। मुझे भी डेढ़ में देते तो 80 अलग से देना पड़ता और 10,000 और फिर हैंड ओवर का भी लगता है, सब चार्जेस रहते हैं, कुल मिला के 40-40,000 रुपए इनको नुकसान हुआ। जो काम भी तो वो नहीं हुआ जो होना चाहिए, ट्रांसफार्मर पुराना लगा है। ट्रांसफार्मर देखिए ऐसा है, करंट है, ये करंट चाहे आप नया ले लें इस कंडक्टर में और चाहे पुराना ले लें, ट्रांसफार्मर बोला ट्रांसफार्मर हम दिलवा देंगे तुमको, तुम इतने में काम कर दो, तुम्हें नहीं दिलवा। मैं इसमें पूरा बोल नहीं सकता, मेरा अधिकारी है, मुझे मतलब 5 साल हो गया मैं वहाँ ठेकेदारी करता हूँ, मेरी कल को ठेकेदारी हो जाएगी बंद। बिल्कुल सही बात, समझ रहे हैं? इसलिए आप और वो तो जेई है ना, उस जेई के बारे में आपको मिल गए तो वॉकअप नहीं कर सकते, वो जेई बहुत खतरनाक जेई है, उसके बारे में आप ना जाने ना समझे तो ज़्यादा अच्छा है। वो नई गाड़ी, हर एक आदमी उसको गाड़ी देता है, हर जो आपको जा आप लुटे हैं सही है, पर आपको जाके तो भड़काया भी है, उसमें NOC वगैरह भी मिलती है, वारंटी कार्ड मिलता है। उसके लिए मैं खड़ा हूँ, ट्रांसफार्मर के लिए मैंने इनको हरदम कहा है कि आपको क्या है, ट्रांसफार्मर खराब होगा मैं विभाग से तुरंत डी साहब से बोलूँगा, ट्रांसफार्मर खराब हो गया तुरंत बदलिए। नहीं, उसका दस्तावेज होता है ना।